अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विजय और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। चीन में कहर बरपाने के बाद कोरोना ने अब भारत में दस्तक दिया। देश में कोरोना के दो मामले सामने आए हैं, जबकि राजधानी दिल्ली में कोरोना का एक मामला सामने आया है। चीन की नींव हिला देने के बाद भारत आया कोरोना वायरस। भारत में कोरोना के दो मरीजों की पुष्टि की गई, साथ ही राजस्थान में भी कोरोना का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। भारत कोरोना वायरस से सावधान, देश के लिए ये सबसे बड़ी चिंता की खबर है। शुरुआती एहतियात के बाद जब देश कोरोना से राहत मोड़ के पास पहुंच रहा था, तभी अचानक सरकार की तरफ से आए एक बयान से कोरोना को लेकर हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पुष्टि की है कि देश में कोरोना के दो मरीज मिले हैं। हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं, उनकी संख्या 5 हो गई है। आज हमारे पास 2 और पॉजिटिव केसेस, एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री है, एक की इटली से और एक की दुबई से। आपको बता दें, कोरोना से ग्रस्त एक मरीज दिल्ली का है और दूसरा तेलंगाना का। दिल्ली वाले मरीज ने इटली की यात्रा की थी, जबकि तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीज ने दुबई की यात्रा की थी। बता दें, भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या अब बढ़कर 5 हो चुकी है, लेकिन चिंता सिर्फ दिल्ली और तेलंगाना तक सीमित नहीं है। राजस्थान सरकार ने भी स्वीकार करते हुए बताया कि उनके राज्य में भी एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से पीड़ित होने की आशंका है, क्योंकि उसका भी एक सैंपल पॉजिटिव आया है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में जो संदिग्ध मरीज मिला है, वो इटली से आए उन 20 लोगों में शामिल था और उसकी यहाँ तबीयत खराब हुई थी। 29 फरवरी से पहले उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन 29 फरवरी के बाद स्क्रीनिंग में कोरोना वायरस पॉजिटिव आया। वही अंतिम जांच के लिए उसकी सैंपल को पुणे भेजा गया है। हमने पेशेंट को आइसोलेशन में रखने के लिए SMS अस्पताल के डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिए, और जो 29 तारीख से लेकर आज तक उस ICU के अंदर उस पेशेंट के साथ कॉन्टेक्ट में आए, संपर्क में आए, उन लोगों की भी टोटल स्क्रीनिंग करने का इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया है। इसी बीच कोरोना वायरस के खौफ से नोएडा के एक स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कल इस मामले पर मीटिंग की और कोरोना के खतरे से निपटने पर बात की। बताया जा रहा है कि जो भी इन मरीजों के संपर्क में आया होगा, उन सभी के स्क्रीनिंग की तैयारी हो रही है। कोरोना वायरस वाले शख्स के कई साथी आगरा गए हुए हैं। आगरा प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी गई है, साथ ही इटली के दूतावास को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। लेकिन यहाँ एक सवाल यह है कि इतने एहतियात के बाद भी कोरोना के संदिग्ध ऐसे खुले में कैसे घूम रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं, असम की BJP विधायक सुमन हरिप्रिया ने कोरोना से लड़ने का क्या अनोखा उपाय बताया। जब एयरबोर्न डिजीजेस है, तो वो हम क्यों ना ऐसे कुछ प्रयोग किया जाए जिसमें काउ डांग के साथ घी, गुगल और जो अमरलता हम गिलोई बोलते हैं, उसका रस मिला के अगर हम प्रयोग करें, साथ में और 2-3 चीज़ें हैं, तो हम रस मिला के अगर हवन जैसे आहूति दे या यज्ञ करें, तो उसकी जो धुआं निकलेंगे इसकी, उससे हवा मुझे लगता है कि बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, कोरोना वायरस जैसे डिजीज से शायद ही मुक्ति मिले। हमारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना गवर्नमेंट को हर तरफ की मदद करने का वादा किया है। मेडिसिन वगैरह भी भेजे जा चुके हैं और साथ में डॉक्टर नर्सेज भी है। पूरे विश्व में जब कोरोना से लड़ने का कोई उपाय अभी तक नहीं मिला है, ऐसे में असम की विधायक का ये अनोखा फॉर्मूला बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने ये उपाय बताते हुए प्रधानमंत्री से अपील की कि वह इस उपले से हवन करने वाली तरकीब को चीन को बताए और उन्हें ये तरकीब अपनाने को बोले। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत के करीब 21 हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखी गई है। 12 बड़े और 65 छोटे बंदरगाहों पर भी ऐसा इंतजाम किया गया है। सभी लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विदेश से आए लोग बिना जांच करवाए बाकी लोगों के बीच नहीं जा सकते। बता दें, अभी तक करीब 5,57,431 लोग के स्क्रीनिंग की जा चुकी है। वहीं सरकार ने ईरान, इटली, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सरकार का कहना है कि कुछ समय तक इन देशों में लोग जाने से बचे।
चीन से फैला ये कोरोना वायरस अब तक 67 देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अब भारत की राजधानी दिल्ली में भी इस वायरस का खौफ देखने को मिला। नोएडा के बाजारों में भी सर्जिकल और N95 मास्क की कमी हो गई है और कुछ लोग यहां तक दावा कर रहे हैं कि बाजार में इन मास्कों को उनके तय कीमत से ज्यादा दामों पर बेचा जा रहा है। आमतौर पर सर्जिकल मास्क 10 रुपए में मिलता है, जिसे 40 रुपए से भी ज्यादा में बेचा जा रहा है। वहीं N95 मास्क की कीमत करीब 150 रुपए के आसपास है, लेकिन इसे 500 रुपए तक में बेचा जा रहा है। आपको बता दें, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या करीब 3000 से ऊपर पहुंच चुकी है और इस वायरस से 79,824 लोगों के संक्रमित होने की खबर है। इसी बीच इसराइल खुफिया एजेंसी यह दावा कर रही है कि चीन ने इस कोरोना वायरस को खुद विकसित किया है, क्योंकि चीन इसे बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर रही थी। हालांकि चीन सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इस वायरस का लैब से कोई लेना देना नहीं है। चीन सरकार ने यह भी कहा कि ये अफवाह फैलाने वाले लोग कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।